आज का अपना टॉपिक है क्लास 12 से मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को अपन मोल भिन्नांक अणु भिन्नांक मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। होता क्या है मोल प्रभाज, जैसे सबसे पहले तो अपनों ने पिछली क्लास में मोल के बारे में बताया था। मोल यानी एक टाइप से क्या है, पदार्थ को मापने की एक यूनिट, यानी पदार्थ की मात्रा को मापने की यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। और मोल को कैसे निकाला जाता है, मोल को निकालने के लिए अपन क्या कहते हैं, पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणु भार, डब्ल्यू बटा एम रखते हैं। इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और मोल को अपन कैसे दर्शाते हैं, तो स्मॉल एन से दर्शाते हैं। ठीक, तो मोल प्रभाज के लिए अपने उनका पिछले वीडियो में देखा था विलयन को कैसे बनना है, विलयन के अवयव क्या है, तो एक होता है विलयन में विलायक जुट मिला होता है और दूसरा क्या होता है, विलय होते हैं। सपोज अपन विलायक को कैसे दर्शाएं, ए से, तो विलय को कैसे दर्शाएंगे, बी से। तो विलायक के मोल कितने होंगे, अगर विलायक के मोल देखने हैं पदार्थ की, विलायक भी क्या एक पदार्थ है, तो पदार्थ की मात्रा को कैसे मापते हैं अपन, मोल में। तो विलायक के मोलों को अपन कैसे डिनोट करते हैं, मोल को दर्शाते हैं एन से, और विलायक के लिए अपन इसको क्या लिखेंगे, एन है। विलय के लिए विलय के मोल एन, और विलय को बताने के लिए बी। ठीक, तो एन बी यानी क्या हो गया अपना, डब्ल्यू ए अपॉन ए में, और एन बी यानी डब्ल्यू बी बटा एम बी। तो सपोज अपने को क्या करना है, दोनों को मिला के क्या बना है, विलयन बना है। और ये क्या है, दोनों चीज़ें हैं, ये विलयन के अवयव है, या इनको अपन क्या बोल सकते हैं, अवयव नहीं बोले तो घटक है। ठीक, तो मान लो अपना विलायक, पूरे विलयन में से विलायक के कणों को निकालना है, मोलों की संख्या निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, विलायक के मोलों की संख्या को टोटल विलयन के मोलों की संख्या से भाग दे देंगे, और यहीं से इसकी परिभाषा आती है। जैसे मान लो अपने मोल प्रभाज को अपन कैसे दर्शाते हैं, एक्स से, तो विलायक के मोलों की संख्या, मोल प्रभाज क्या हो गया, एक्स ए। ठीक, तो विलायक के मोलों, मोल प्रभाज के लिए अपन क्या लिखेंगे, विलायक के मोल यानी एन ए, और यहाँ पर क्या हो गया, विलयन के मोल यानी एन ए और एन बी। ठीक, हिंदी में बोलें अपन तो विलायक के मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोल बटा विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या। ठीक, विलायक के मोलों की संख्या बटा विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या। ठीक, और यहीं से इसकी परिभाषा आ जाएगी, क्या ये विलायक और विलय क्या है, दोनों विलयन के घटक हैं। तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या, इन दोनों को मिला दे तो क्या विलयन कब बनेगा, जब उसमें विलायक तथा विलय दोनों होते हैं। तो अपने को विलायक के मोल प्रभाज निकालने हैं, तो विलायक के मोलों की संख्या और उसके अपॉन में क्या कर देंगे, टोटल विलयन में जितने कण उपस्थित होते हैं उनकी संख्या। ऐसे कैसे अगर अपनों को क्या करना है, विलय के मोलों की संख्या निकालनी है, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या बटा संपूर्ण मोलों की संख्या, ये समीकरण एक, और ये कौन सा हुआ, समीकरण दो। ठीक, विलय का मोल प्रभाज बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा संपूर्ण विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या। ठीक, तो यहां से अपन मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये विलय का और ये विलायक का और ये विलय का, और विलयन का क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए की जगह एक्स ए का नाम मान रखते हैं, तो क्या एन ए प्लस एन बी प्लस एक्स बी की जगह एक्स बी का मान एन ए प्लस एन बी। अब क्या करेंगे अपन, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने
लेंगे तो नीचे का हर समान है तो एन ए प्लस एन बी, ऊपर एन ए प्लस एन बी, एन एस एन बी से एन ए एन बी कैंसल इक्वस टू वन, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वस टू वन, यानी विलयन का मोल प्रभाज एक इकाई के बराबर होता है। तो मोल प्रभाज क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। और इसको काई से दर्शाते अपन, तो इसको एक्स से दर्शाते हैं। तो इससे रिलेटेड अपन मान लो कुछ सवाल करते हैं। इसके लिए बेस पे कुछ सवाल करते हैं, तो कौन कौन से सवाल हो सकते हैं एक में बताता हूँ, और कुछ आपको होमवर्क के हिसाब से करना है। देखते हैं, 90 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH विलय है, NaOH विलय है, तो NaOH व जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक, ये अपना क्वेश्चन है। तो अधिकतर केस में देखा जाए तो जल जो होगा वो विलायक के रूप में रहता है, और बाकी जो दूसरे पदार्थ है वो काई के रूप में रहेंगे, विलय के रूप में। तो अपनों को क्या करना है, विलय के मोल, और विलय नहीं लिखे तो अपन एक काम करते हैं, विलय की जगह लिख देते हैं NaOH के मोल। तो मोल यहाँ पर क्या दे रखा है, मोल होता तो डायरेक्ट मोल में लिखा होता, पर यहाँ पर इसकी मात्रा काई में दे रखी है, ग्राम में, इधर भी काई में ग्राम में, और ग्राम में दे रखी है, और उसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए एक सूत्र बताया था अपनों ने, क्या, मोल इक्वस टू डब्लू बटा एम, यानी विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार। तो विलय का भार पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणुभार। तो यहाँ NaOH के मोल निकालना, तो NaOH का भार कितना दे रखा है, 4। NaOH का अणुभार कितना होता है, तो Na प्लस O प्लस H एंड 23 प्लस 16 प्लस 1 कितने हो गए, टोटल 40, कितना आया 0.1। ये तो NaOH के मोलों की संख्या कितनी है, 0.1, और H2O के मोल, H2O के मोल निकालने हो तो H2O का भार कितना है, 90, H2O का अणुभार 2 इंटू एच प्लस ओ, यानी 2 गुणित 1 प्लस 16, टोटल कितने हो गए, 18। ये एक हाइड्रोजन का परमाणु भार है और 16 ऑक्सीजन का परमाणु भार है, टोटल कितने, 18। 18 से 90 कैंसिल करें तो 5, यानी H2O के मोलों की संख्या कितनी आई, 5। अब अपने को मोल प्रभाज किसका निकालना, मान लो NaOH का निकालना, तो एक से NaOH बराबर क्या हो गया, NaOH के मोलों की संख्या बटा H2O प्लस NaOH, ठीक, संपूर्ण विलयन के मोलों की संख्या। तो NaOH की कितनी दे रखी, 0.1, H2O की 5 प्लस 0.1, 0.1 बटा 5.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/51। तो डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो आंसर। ठीक, आगे देखते अपन किसका, H2O का मोल प्रभाज। तो यहाँ N H2O के मोलों की संख्या बटा संपूर्ण विलयन के मोलों की संख्या, H2O का कितना है 5, इधर 5 प्लस 0.1, तो 5 बटा 5.1, दशमलव हटा तो 50/51, ये इसके मोलों की संख्या। ठीक, तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी दिया है अगर पदार्थ की मात्रा अपने को ग्राम में दे रखी है तो उसको काई में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मोल में, और मोल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, मोल इक्वल्स टू डब्ल्यू बटा एम, पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणुभार। तो अधिकतर केसेस में जल क्या होगा, विलायक होगा, और उसके अलावा जो पदार्थ दिए हैं वो क्या होंगे, विलय होंगे। एक और अपन क्वेश्चन करके देखते हैं इसके लिए। ये अपने सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, एथिल अल्कोहल के जली विलयन में एथिल अल्कोहल 4.6 ग्राम व जल 3.6 ग्राम है, तो
तो दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दिया है कि दोनों के मोल प्रभाज निकालने, तो दोनों के ज्ञात करना। अगर यहाँ पर सपोज दे दिया जाता कि एथिल अल्कोहल के मोलों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, तो अपन खाली एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज ज्ञात करते। तो यहाँ पर विलायक क्या हुआ, जल, विलय क्या हुआ, एथिल अल्कोहल। तो अपन विलय विलायक नहीं करते हुए क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या है, C2H5OH के मोल। तो इसके मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, वही W बटा M करेंगे। W कितना दे रखा, एथिल अल्कोहल का भार 4.6, इसका अणुभार कितना होता है 46, यानी 2 × C + 5 × H + O + H, यानी 2 कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का 1, परमाणु भार इसका 16 और इसका 1, टोटल को अपन जोड़ेंगे तो ये आएगा 46। इससे कैंसिल करा कितना आएगा 0.1, ठीक। दूसरा H2O के मोल, H2O के मोल वही W बटा M से करेंगे। H2O कितना दे रखा 3.6, ये कितना है होता है 18, दशमलव हटाया 18 से काट दो, ठीक, यानी 0.2 ही आया। अब अपनों क्या करना है, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालनी है, मोल प्रभाज ज्ञात करना। तो X C2H5OH क्या होगा, N C2H5OH N H2O प्लस N C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटा संपूर्ण विलयन के मोलों की संख्या। इसकी कितनी, एथिल अल्कोहल की 0.1 अपॉन में 0.2 प्लस 0.1 जोड़ देंगे नीचे 0.3, एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 1/3 ये आंसर। इसको आगे डिवाइड करके भी अपन डेसिमल में आंसर ला सकते हैं। जल का मोल प्रभाज X H2O बराबर NH2 कितना 0.2, और ये 0.2 प्लस 0.1 कितना होगा 0.2/0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आंसर कितना 2/3, ठीक। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। आपके दूसरे यूनिट में मोल प्रभाज निकालना आएगा और इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी बनते हैं और राउल्ट का नियम इस पर बेस्ड है, तो ये चीज़ें अपने को करनी ज़रूरी भी है। तो आशा करता हूँ आपको ये मोल प्रभाज टॉपिक जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप करके देखिए, और जहाँ दिक्कत आती है कमेंट में मुझे भेजें। धन्यवाद।